आदिल का तो ऐसा लगता है कि शायद रांची स्टेशन के बाहर ही मुझे मिल गए थे रिक्शा विक्शा चलाते हुए। आपको तो ऐसा पता नहीं चला होगा, लेकिन सब उसके लिए तैयार थे, और शुभम के लिए भी बड़ा सीन था, बड़ा, और प्रियंका के लिए भी और आदिल के लिए भी। वो इस वजह से था कि उसमें उनकी जो दाढ़ी और बाल जो है वो थोड़े बड़े हो हाँ गए थे, तो वो काटने थे, और काटने के पहले उसको खत्म करना था, शूट करना था। सिनेमा के अंदर में बिल्कुल सही कहा आपने, कैप्टिव ऑडियंस होती है, वो 2 घंटे के लिए हमारे लिए वहां आकर के बैठी है, हमारी फिल्म देखने के लिए बैठी है, तो और हम जिस तरह का एक्सपीरियंस उसको देखते हैं, एक लार्ज स्क्रीन है, सराउंड साउंड है, उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस जो है वो OTT में तो नहीं मिलने वाला। हमारे साथ हैं एक ऐसे डायरेक्टर हु इज मतलब मल्टीफैसेटेड। ये एक्टिंग भी करते हैं, ये डायलॉग्स भी लिखते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये अपने डायरेक्शन के लिए तो जाने ही जाते हैं। प्रकाश झा जी, प्रकाश सर, वेलकम, हाउ आर यू डूइंग सर? मैं बहुत अच्छा हूं, और आपसे मिलके बहुत और भी अच्छा हूं। डेफिनेटली सर। सर सबसे पहले तो हम यहाँ हैं परीक्षा के बारे में बात करने के लिए, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने फिल्म देखी और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, एंड आई रियली होप कि लोग इस फिल्म को देखें, और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। कास्टिंग तो मतलब ऑफ कोर्स कमाल है, द स्टोरी इज अमेजिंग। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये कहानी जो है एक्चुअली में ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, जो कि आपने काफी मतलब पर्सनल लेवल पे व्यक्तिगत तौर पर देखी है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज। कई एक चीजें जो बचपन से देखता आया, और जब समझ में बात आई कि क्यों इस तरह से समाज का जो गठन है वो ऐसा क्यों है, और फिर जब समझ में आया कि शिक्षा का महत्व कितना है, और जब देखता था कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छे अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में लोग क्या से क्या कर बैठते हैं, हमारे बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, यूपी में, अपना देह बेच देते हैं लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो बात समझ में आई। और जब एक कहानी मुझे अभयानंद जी ने बताई थी कि वो नक्सलों का पीछा करते जब उनके गांव में जाते थे, वो IPS ऑफिसर थे जहानाबाद में, औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स में, जी तो उन नक्सलियों के बच्चे कितने इंटेलिजेंट और कितने नेटिव, उनका जो रिस्पॉन्स रहता था वो कितना बढ़िया रहता था, फिजिक्स के सवाल पूछते थे उनसे, मैथ्स के सवाल पूछते थे, खुद फिजिक्स टीचर थे। तो वहां से बात समझ में आई कि वो बच्चे जब पढ़ लिख करके IIT या कहीं और इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए, तो यही हसरत तो उन सबों में होगी। और अभी अभी हमारा रिजल्ट आया है 10th का और 12th का, और अपने पूरे देश से देखा कितने कितने जगह पे कितने कितने कहानियां निकल के आई। सर मैं इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आदिल सर ने इतने सारे रोल्स किए और इतने डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, यू नो, और जब हम उनको इस ऐसे किरदार में देखते हैं एक सेकंड के लिए भी, मतलब एक चीज मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि उनका कोई भी पिछला किरदार, मतलब क्योंकि होता ना कि कुछ एक्टर्स को जब आप किसी अलग प्रोजेक्ट में देखते हैं तो आपको याद आता है कि ओ यू नो हमने इस एक्टर को इस किरदार में भी देखा था, इस फिल्म में देखा था। इस पर्टिकुलर फिल्म में आदिल जी के साथ ऐसा लगा है कि वो बिल्कुल भी और कोई कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ इस फिल्म के ही एक बहुत ही अहम किरदार हैं, और उनकी एक्टिंग भी मतलब इतनी कमाल की है। उसके साथ ही प्रियंका बोस, शुभम झा, संजय सूरी, एवरीबडी, यू नो द इंटायर टीम, क्या यही सब लोग आपके जहन में थे जब आपने सबसे पहले इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में सोचा था? आदिल का तो ऐसा लगता है कि शायद रांची स्टेशन के बाहर ही मुझे मिल गए थे रिक्शा विक्शा चलाते हुए। आदिल का तो इतना इस तरह से वो कैरेक्टर में वो बुच्ची उन्होंने ढूंढ लिया था, वो बहुत ही संजीदा एक्टर हैं और बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, और मैंने बिल्कुल उनके बारे में ही सोचा जब मैंने स्क्रिप्ट कंप्लीट की, और एक संयोग से उनसे मुलाकात हो गई थी गुवाहाटी में, और मुझे देख करके लगा यार यही आदमी बुच्ची कर सकता है। बाकी प्रियंका की कास्टिंग और शुभम की कास्टिंग और बाकी दूसरे लोगों की कास्टिंग, वो तो सारी हमारे प्रोसेस हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन हैं वो, और सब मिल करके करते हैं, किया उन्होंने, तो
रांची के बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है, जो वहां के लोकल एक्टर्स हैं उन लोगों ने काम किया है। तो कुल मिलाकर के क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होता है वर्कशॉप का, और हम वहाँ कम से कम 8-10 दिन हमने शूटिंग के पहले रांची में बिताया और सब चीजों का स्टडी किया, देखा एक्टरों के साथ। मैं तो खैर कई बार पहले से जाके कर चुका था, रांची से बहुत वाकिफ हूँ। तो ये सब बड़े बड़े कहें कि भीषण सघन कलाकार हैं ये लोग। ये लोग पकड़ते हैं चीजों को, और वो संयोग से बच्चा भी बहुत अच्छा, शुभम आपने देखा उसका काम कितना बढ़िया है। बहुत सही में सर। और मैं मतलब when I think of the film now, अब जब मैंने फिल्म देख ली है और अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सीन्स हैं स्पेसिफिकली जो यू नो जो मेरे दिमाग में आते हैं व्हेन आई थिंक ऑफ द फिल्म। आदिल जी का पहली बार जब वो स्कूल में आते हैं वो एक सीन हुआ, उसके बाद उनका संजय जी के साथ इंटरेक्शन, ऐसे कुछ सीन्स हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं, जिसमें मतलब यू आर जस्ट देयर, मतलब वो बिल्कुल आप उसमें घुस जाते हैं, इट कैप्टिवेट्स यू। ऐसा कोई सीन अगर आप जब आप शूट कर रहे थे यू नो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट, कोई एक ऐसा सीन है जो आपके जहन में आता है जो कि नाउ दैट यू थिंक ऑफ द फिल्म जो अब रिलीज पर है बिल्कुल, कि ये एक सीन है जो मतलब परहैप्स बहुत ही स्पेशल सीन है, या हो सकता है कोई ऐसा सीन भी हो जो काफी कठिन रहा हो शूट करने के लिए? ऐसा हमें एक ये था कि आपने जो देखा आखिर का जो सीन है, जो जेल के अंदर में बुच्ची है और ये बच्चा और माँ उसके पहुंचते हैं वहां पे, तो वो आखिर का सीन है, लेकिन सबसे पहले शूट करना पड़ा उसको। पहले दिन वही शूट हुआ, और आपको तो ऐसा पता नहीं चला होगा, लेकिन सब उसके लिए तैयार थे, और शुभम के लिए भी बड़ा सीन था बड़ा, और प्रियंका के लिए भी और आदिल के लिए भी। वो इस वजह से था कि उसमें उनकी जो दाढ़ी और बाल जो है वो थोड़े बड़े हो गए थे, तो वो काटने थे, और काटने के पहले उसको खत्म करना था, शूट करना था। तो कठिन कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना कठिन हो उतना अच्छा है ना, उतना मजा है ना काम करने में। राइट सर, मैं आपको ये भी जानना चाहूंगी कि आप जैसे ये फिल्म रिलीज हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर, आपको लगता है कि आप जिस तरह से फिल्मों को ऑडियंस देखेंगी वो परहैप्स दैट थिंग विल चेंज, क्योंकि पहले ऑफ कोर्स लोग थिएटर्स में जाते थे और समय निकाल के जाना पड़ता था, और यू नो जाते थे, कई फिल्में होती थी साथ में, फिर एक कुछ चॉइस भी होती थी कि ये फिल्म देखनी वो फिल्म देखनी, पर अब आप अपने घर पे बैठे हैं और इतनी सारी फिल्में आपके टीवी पे आपके फोन पे आपके टैबलेट पे अवेलेबल हैं, तो आपको लगता है कि कुछ चीजें अब चेंज होंगी इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस किस तरह फिल्मों को रिसीव करती है? मुझे लगता है चेंज तो होगा, लेकिन अभी पता नहीं है, क्योंकि जब तक ये एक्सपीरियंस होगा, क्या अनुभव होगा, लोगों से बात करेंगे हमारी फिल्म, क्योंकि हमारी फिल्म को हम समझते हैं, इसकी जब प्रतिक्रिया आएगी, इसके रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो शायद हमें समझ में बात आएगी कि किस तरह की चीजों से लोग कनेक्ट करते हैं इस माध्यम के ऊपर में। बहरहाल कंटेंट जो है, कहानी जो है, आपको इंगेज करके रख सके, उलझा के रख सके, वो तो बहुत जरूरी है। और सिनेमा के अंदर में बिल्कुल सही कहा आपने, कैप्टिव ऑडियंस होती है, वो 2 घंटे के लिए हमारे लिए वहां आकर के बैठी है, हमारी फिल्म देखने के लिए बैठी है, तो और हम जिस तरह का एक्सपीरियंस उसको देखते हैं, एक लार्ज स्क्रीन है, सराउंड साउंड है, उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस जो है वो ओटीटी में तो नहीं मिलने वाला। तो अभी हमारे लिए अर्ली टाइम है, पीरियड है, जो सीखने की बात है। एक आधा दो फिल्म हमारी जब आ जाएगी ओटीटी पे तो थोड़ा बदलाव शायद आए। वेल प्रकाश जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, परीक्षा बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आई होप एवरीबडी वॉचेस दिस, एंड डेफिनेटली सारे किरदार को और फिल्म को डेफिनेटली बहुत सारा प्यार मिला। आप फिल्म देखते वक्त इमोशनल हुई कि नहीं? डेफिनेटली सर, कई बार बहुत बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जब बहुत रोना आया, एंड में भी स्पेशली आई रिमेम्बर जब वो जेल का सीन जिसके बारे में आपने बताया, जो सबसे पहले आपने शूट किया था, वो भी मतलब आई रियली गॉट इमोशनल, और वो सीन स्पेसिफिकली जब संजय सर का और आदिल सर का इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल जब वो कहते हैं कि आप प्लीज अभी कुछ मत बताइए, बहुत सारे ऐसे सीन्स थे सर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू वी हैड दिस इंटरव्यू टुडे, एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।